बच्चा कह रहा था कि मुझे मम्मी पापा से बात करा दो, उन्होंने बात भी नहीं कराई। जब बेटे की लाश मिली तो उसमें से फेंक दिया गया मेरे भाई को। ये तंत्र विद्या तो वो जाने, उन्होंने क्यों नरसिंह बलि चढ़ा दी उसकी। जैसे वो बच्चा मरा का वो स्वयं मेरी बच्चे की दिशा थी। हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे ऊंची उड़ान भरे, बेहतर शिक्षा पाएं और बड़े होकर दुनिया में नई पहचान बनाएं। लेकिन जब स्कूल ही उनके सपनों का कब्रगाह बन जाए तो सोचिए उस माता पिता पर क्या गुजरेगी। कहते हैं माता पिता के बाद अगर कोई इंसान बच्चे के सबसे करीब होता है तो वो है उनका गुरु यानी शिक्षक। वही शिक्षक जिसके हाथों में माता पिता अपने बच्चे का भविष्य सौंपते हैं ये सोचकर कि उनके बच्चे को सही दिशा मिलेगी। लेकिन सोचिए जब वही गुरु अपने शिष्य का रक्षक नहीं बल्कि जल्लाद बन जाए तो क्या होगा। ये सवाल आपके दिल में भी चुभेगा, लेकिन इस कहानी की जड़ें अंधविश्वास के उस गहराई तक जाती हैं जहां तर्क और इंसानियत दम तोड़ देती है। हाथरस की घटना ने इस सवाल को हर माँ बाप के दिल में जगा दिया है, क्योंकि यहाँ के एक स्कूल के सनकी प्रिंसिपल ने अंधविश्वास के नाम पर 11 साल के मासूम बच्चे की बलि चढ़ा दी। वजह तंत्र मंत्र अंधविश्वास, एक ऐसा अंधविश्वास जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। दिनेश बघेल जो एक स्कूल का प्रिंसिपल था, एक ऐसा शिक्षक जिसने अपनी जिम्मेदारी को तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की कालिक में रंग दिया। उसने सोचा कि एक बच्चे की बलि देने से उसका स्कूल तरक्की करेगा और इसी सोच ने मासूम कृतार्थ के जीवन को खत्म कर दिया। वैसे तो स्कूल के गेट पर कुछ अच्छी और मोटिवेशनल बातें लिखी होती हैं, लेकिन प्रिंसिपल दिनेश बघेल के स्कूल के गेट पर घोड़े की नाल और कपड़े की कुड़िया टंगी थी। एक मासूम बच्चा सोचता होगा कि ये किसी खेल का हिस्सा है, लेकिन हकीकत इससे भी भयानक थी। उस दिन कृतार्थ का स्कूल का सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। दरअसल प्रिंसिपल का पिता खुद को बड़ा तांत्रिक समझता था। उसका मानना था कि अगर किसी एक बच्चे की बलि दे दी जाए तो स्कूल के भाग्य चमक उठेंगे। बस यहीं से शुरू हुआ एक मासूम की जिंदगी का अंत। कृतार्थ के माता पिता को सुबह ये बताया गया था कि उनका बच्चा बीमार है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयावह थी। जब परिवार स्कूल पहुंचा तो वहां कृतार्थ नहीं था। पूछने पर बताया गया कि उसे इलाज के लिए ले गए हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पुलिस ने दिनेश बघेल को उसकी कार में पकड़ा। पिछली सीट पर छात्र कृतार्थ का शव पड़ा था और गर्दन पर हत्या के निशान। पुलिस ने स्कूल संचालक दिनेश बघेल सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्कूल में पहले भी कई बच्चों की हत्या की कोशिश की गई थी। अंधविश्वास के नाम पर हुई इस हत्या ने एक मासूम की जिंदगी के साथ साथ उन करोड़ों माता पिता के विश्वास को भी तोड़ दिया है जो अपने बच्चों को हर रोज स्कूल भेजते हैं। ये सिर्फ हाथरस की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब शिक्षा के मंदिरों में अंधविश्वास की कालिक लग जाए तो वहां से सिर्फ सपनों की ताबूतें ही निकलेंगी। तू लेके साथ आता कि तुम्हारा बच्चा बीमार है, पहले से नहीं लेके आया, तो जब माँ पे भागे गए तो तू बेटे को लेके क्यों भागा? जब तेरा साजिश नहीं था तो बेटे को लेके क्यों भागा? और भागते टाइम मेरे भाई को उसने धक्का मार के जब उसमें लाश देखी थी, उसमें जब बेटे की लाश मिली तो उसमें से फेंक दिया गया मेरे भाई को। ये तंत्र विद्या तो वो जाने, उन्होंने क्यों नरसिंह बलि चढ़ा दी उसकी, ये तो वो जाने। तंत्र विद्या क्या, तांत्रिक विद्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उन्होंने मेरे बेटे की तो नरसिंह बलि चढ़ा दी है। ये मीडिया दे रही आ रही है, वैसे मीडिया ने पुलिस ने भी हमारी हेल्प की है, पूरी पुलिस पूरी हेल्प कर रही है, मीडिया भी हेल्प कर रही है। जैसे अभी आज हम देखा कि तांत्रिक विद्या से उसकी नरसिंह बलि चढ़ा दी उन लोगों ने, कॉलेज को बढ़ाने के माध्यम से। मेरे बच्चे का साथ नार घेट के मतलब इसकी फांसी दी गई थी पूरी। जैसे वो बच्चा मरा का वो स्वयं मेरी बच्चे की दिशा थी। पुलिस थाने में आपने FIR? पुलिस थाने पे धमका दे हम, मतलब मई की मई जब्त कर दे। सर 18 तारीख की वारदात बता रहा था बच्चा कि उस दिन बरसात हो रही थी और बच्चों की स्कूल से छुट्टी थी और हॉस्टल के बच्चे वहीं पर थे और बच्चे सारे, ये थोड़ा नेक्स्ट स्लो काम करता है ना, तो बच्चे सारे नीचे आ गए, ये पीछे रह गया था, तो उससे प्लेट लेके बाहर निकल रहा था गेट से, हॉस्टल के से जैसे ही बरामदे से और हॉस्टल उस गेट के बीच में ही था, उस बच्चे ने पीछे से रस्सी डाल ली थी इसके गले में दिन में 12 बजे। बच्चा कह रहा था कि मुझे मम्मी पापा से बात करा दो, उन्होंने बात भी नहीं कराई। बच्चे ने मुझे घर पर बताया है।